शिव के लाशों के वासी दौड़ी धारों के राजा बहुत है भैया बहुत ये बहुत था अगर थोड़ा सा सोई कर तो कोई तो बहुत ही करता मुझे बाकी ये साइड आ रखा था और चप्पल में अभी थोड़ा ठंडी लगने बैठ गई। स्वागत है आपका फिर से नए ब्लॉग में। तो मैं हूँ अभी ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है गौरी गुफा में, वो अभी आप ब्लॉग देखिए फिर आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो अभी मैं तोसी से आया हूँ और ये कर रहा है यहाँ पे अपने साइकिल का वेट। तो मेरे साथ दो घर से आए हुए हैं, देहरादून से साइकिल मंगवाई थी तो ये दो है यहाँ पे साइकिल है जो वेट कर रहे हैं अपने पापा का कि हम कब रिसीव करेंगे साइकिल। और खुशी देखो इनकी, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर रखी है साइकिल, गाँव में पहली बार होता है कि साइकिल आई किसी की, नहीं तो किसी को गाँव में साइकिल मिलती नहीं वैसे। अभी इनके रिएक्शन देखते हैं और जो है मस्ती करने के साइकिल निकाल दिया उनकी। नहीं बाइक तो ये जा रही है, एक बार घर में जाएगी, ये घर ही में चलाएंगे फिलहाल इसको। चलो 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 तो ये यहाँ पे चलेगी अब। इंच वाला बता क्या लगा? इंच वाला बता हैंडल पर। हाँ लगा। बोल जो सही तो थोड़े ची। और ये हो गई है पूजा साइकिल की नए वाहन की। ये रहे ड्राइवर हमारे, ये मालिक रहे, इनकी साइकिल है, अब ये चलाएंगे साइकिल। अभी सारा दिन ये परेशान करने वाले यहाँ पे, चलाएंगे साइकिल। The next day. यहाँ पे साइकिल ट्रेनिंग चल रही है, हम गौशाला जाते हैं, गौशाला का काम निपटाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको फिर से घर ही में। वही जो गोबर रहती है वो निकालनी है, वो निकालते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ये हो गई जी शुरू, ये यहाँ से डालेंगे फिर से यहाँ पे जहाँ पे ढका हुआ स्वेटर। कल यहाँ पे साइकिल आई तो आज यहाँ से ट्रेनिंग शुरू हो गई है। कल से ट्रेनिंग शुरू हो गई तो इसकी ट्रेनिंग चल रही है। पहले ये तो सीख चुके हैं, सीखे हुए हैं पहले से थोड़ा थोड़ा ये दोनों, लेकिन इसकी बारी है, ये सीखेगी इसकी बारी है और मैं सिखाऊंगा इसको। तो इसकी प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे सिखाने की।
हल्का फुल्का अभी जितना भी होगा वो चौक में सिखाएंगे, फिर जाएंगे ग्राउंड में जाएंगे या रोड पे जाएंगे। हाँ पैडल कल मॉर्निंग से ग्राउंड में ले चलेंगे इनको, हल्का फुल्का तो बैलेंस तो इसका बन ही गया है वैसे, इसको अभी पता नहीं चल रहा है। घर से निकल चुके हैं हम, जाते हैं थोड़ा ऊपर लदड़ी तो ग्राउंड यहाँ पे, वहाँ पे चलते हैं थोड़ा, अभी छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और ग्राउंड भी दिखाते हैं, वहाँ से आपको गांव का व्यू भी दिखाते हैं। और मेरे साथ है फिर से, तो मेरे साथ है अनूप सिंहवाल जी, कहाँ गए जी, मत लगाइए पीछे छूट गए जी, मत लगाइए नहीं वो आदत है वो लग जाती है। तो शायद अभी एक बार हम लदड़ी जाएंगे, लदड़ी हम पहले वहाँ पे स्कूल में चलते ना, हाँ समय लगे तो हम तब ऊपर भी जा सकते ना, गौरी गुफा, गौरी गुफा पहले दिखाया हुआ है, हम दोनों लोगों ने दिखाया हुआ है, दिखाया हुआ ना, लेकिन ऐसे नॉर्मली मजा आता है फिर, हाँ ऐसे घूमने में मतलब शायद हम ऊपर भी जा सकते हैं हम, बिल्कुल ये वाले टॉप है अगर टाइम लगा तो। सामने पर स्कूल, ये पुरानी टिन वाली स्कूल दिख रही है, ये पुरानी आपको दिख रही है स्कूल सामने पर, ये वाले टिन वाली स्कूल, ये बहुत पुरानी स्कूल है, यहाँ पे हमने तो नहीं पढ़ा, यहाँ पे हमारे सिस्टर लोग उन्होंने पढ़ा हुआ है यहाँ पे, ये थी 6 से 8 तक ये स्कूल थी, ये नई स्कूल है, ये प्राथमिक विद्यालय है, 1 से 5 तक का है। और ये ग्राउंड है बहुत अच्छा, ये बहुत ही प्यारा ग्राउंड है, और इसके पीछे भी ग्राउंड है, हम क्रिकेट खेलते थे यहाँ पे भी, उसके पीछे भी क्रिकेट खेलते थे जब हम छोटे बच्चे थे, अभी भी खेलते हैं हम, छोटे बच्चे थे तो हम खेलते थे यहाँ पे, आगे अभी भी खेलते हैं लेकिन पीछे नहीं खेलते हैं अभी, क्योंकि पीछे छोटे बच्चे रहते हैं फिर वो खेलते हैं, तो हम थोड़ा बहुत कभी आ जाते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए खाली ऐसे। और ये रही स्कूल यहाँ पे, तो प्राथमिक विद्यालय है चीटा यूवी नारायण का, क्योंकि यहाँ के जो ऊपर वाले गाँव के स्टूडेंट होंगे सारे यहाँ पे आते हैं। और ये सामने पे रहा हिमालय केदारनाथ, केदारनाथ रहा पीछे पे और पूरा गांव रहा, ये त्रिवेणी गांव रहा बहुत ही सुंदर। तो अभी स्कूल में कोई भी नहीं पढ़ता क्योंकि यहाँ से स्कूल ट्रांसफर होकर नीचे चली गई, यहाँ नीचे पे चली गई है, तो यहाँ पे अभी कोई नहीं पढ़ता, तो स्कूल के कुछ इस तरह के हाल हो रखे हैं, कोई देखने वाला स्कूल को है नहीं, सरकारी संपत्ति है, गवर्नमेंट की संपत्ति है, तो कोई ज़्यादा छेड़ तो दिया वैसे, बट ये गवर्नमेंट का वो है तो कोई ज़्यादा देखता भी नहीं इसको। देखो ये दूसरा कमरा हो गया, हाँ ये सीधे तीसरे कमरे में जा रही है, ओए बहुत खराब है। और स्कूल से हम वापस आ गए हैं, स्कूल के हाल आपने देख ही लिए होंगे, आप चलते हैं गौरी गुफा की ओर, गौरी गुफा से व्यू दिखाते हैं आपको, आपने कुछ जो नए लोग जुड़े हुए हैं दो चार नए लोग जुड़े हुए हैं उनको दिखाते हैं फिर से, दो चार नहीं गौरी गुफा जुड़ रहे हैं, हाँ वो तो जुड़ी रहे हैं, हाँ वो दिखाते हैं गौरी गुफा दिखाते हैं आपको, आपको पूरी स्टोरी जाननी है अगर तो इनके चैनल पे आप जा सकते हैं, अभी भी बता देंगे हल्का फुल्का, हाँ तो आप बता दीजिए रास्ता, ये है ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए, तो ये कुछ इस तरीके का रास्ता है अभी आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का रास्ता है कि मतलब यहाँ पे अभी जंगल वाला रास्ता है, जंगल वाला रास्ता है, पर पत्थर से बहुत ज्यादा है, पत्थर बहुत है भैया, बहुत पत्थर, अगर थोड़ा सा सोई कर तक कोई तो बहुत ही कदम हो जाए, चलो ने पोले मोन इसको बुला रहा पड़ेगा, नहीं पड़ा एकदम बुलाना पड़ेगा, तो भाई आ जाओ ना ये रास्ता को ठीक करो। तो ये सामने पर आ पूरा गांव त्रिवेणी नारायण, यहाँ से और यहाँ तक, तो अभी मैं टॉप में गांव के और सामने पे केदारनाथ बता रहा हूँ मैं, और सामने पे गौरी गुफा का रास्ता, पता नहीं था कि हम गौरी गुफा जाएंगे, तो मैंने चप्पल में आ रखा था, मैंने थोड़ा गांव की ही साइड आ रखा था, और चप्पल में अभी थोड़ा ठंडी लगने बैठ गई, बट कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है, सह लेंगे थोड़ा सा। कुछ दिनों पहले हमें बर्फबारी हुई थी, वीडियो आपने देख ली होगी,
यहाँ पे भी बर्फ है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा धूप आती नहीं होगी क्योंकि धूप यहाँ सामने से निकलती है। बर्फ दिख रही है एकदम बहुत बढ़िया, क्योंकि धूप मैं बता रहा यहाँ से आती है तो सामने पेड़ की वजह से नहीं आती है धूप और यहाँ से पीछे चली जाती है। ये गली नहीं है, हर रात को इसमें फिर से पाला पड़ जाता है इसलिए गलती नहीं है। और ये पड़ा हुआ पूरा पाला, ये देख सकते हो मिट्टी टूटी नहीं रही है, ये चप्पलों में चले हुए। अब तुम काका बताई भैया हमरा हाल क्या है, वो निकले थे हम हलवा खाने मोही जल गया है। ओए ओए। गलियां ये चौबारा अब क्योंकि हम तो है भैया पहाड़ी कि ये इसके अलावा कोई नहीं, कोई नहीं है। रास्ता ना दबा और बहुत देर हम गोई दिखाती करिए पहाड़ी उधर भी बर्फ। अब बर्फ देख सकते हैं यहाँ से है यहाँ तक, यहाँ पे बर्फ है ऊपर आप पूरी देख सकते हैं, यहाँ पूरी बर्फ है, यहाँ गली नहीं है क्योंकि वहाँ पे धूप बहुत ही कम आती है। यही कुछ महीनों बाद आपको पूरे यहाँ गांव में दिखने वाली है बर्फ, जब थोड़ा ठंडी और पड़ जाएगी, ठंडी और बढ़ जाएगी पूरे गांव में आपको ऐसी सफेद चादर ओढ़ी मिलेगी आपको। तो ये है गौरी गुफा, ये देख सकते हैं आप, ब्राइटनेस बढ़ाते हैं थोड़ा, ये रहे यहाँ गौरी गुफा, ये रही गुफा यहाँ पे। ये अभी इसके अंदर जाने वाले हैं, देखते हैं, देखते रहिए आप। चल भाई नितेश आती है बारी, आजा चढ़ ऊपर, यहीं पे आएगा ना तू भी, आएगा तो यहीं पे, वहीं पे आने तो यहीं पे है। ओके ओके, मैं इधर आ गया, तू इधर की साइड आ जा। ओके ओके, चढ़ गया, अब थोड़ा ऊपर साउंड तो आएगा यार। हेलो, इको आता है यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे पहुँच गए, पहुँच गए, मैं चढ़ जाता हूँ अंदर। हाँ तू भीतर जा, ओ आराम से, आराम से, ओ जी कैसा लग रहा भैया? अरे बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा ना, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो आ गए हम गौरी गुफा में, अंदर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हम पता क्या आधे घंटे रुकते हैं आराम से, बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं आंखें बंद करते हैं और मस्त मगन करते हैं, थोड़ा सा ना मतलब क्या बोलते हैं मेडिटेशन करते हैं, हाँ, और बहुत अच्छा लग रहा है पता है। इको भी है और जैसे हम चुप रहेंगे ना थोड़ा सा शांत है, बिल्कुल सुकून है यार यहाँ पे, अंधेरा होने वाला है बाहर। हाँ वैसे तो बाहर अंधेरा होने वाला है लेकिन थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं और मस्त लीन हो जाते हैं थोड़ा सा, सोना नहीं है, सोना लेकर भी जाना है। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं वीडियो ऑफ करते हैं और इसके बाद आपको बाहर नहीं, बाहर नहीं यहीं पे मिलेंगे, बाहर कैसे मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो हम अभी उस गौरी गुफा में हैं जहाँ पे माता पार्वती के अपर्णा स्वरूप ने एक दिन के लिए तपस्या की थी भगवान शिव की प्राप्ति के लिए, और भगवान शिव को पाने के लिए यहाँ पे तपस्या की थी एक दिन के लिए। तो हम भगवान भोलेनाथ का एक भजन गाएंगे, आप सब भी आराम से सुनना। तो पार्वती को याद करते हुए और भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए एक भजन गाएंगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जय भोलेनाथ। ओ शिव कैलाशों के वासी दौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरेणा, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरणा। बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए, जब भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। ओ शिव कैलाशों के वासी दौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरेणा। जय भोलेनाथ। और बहुत अच्छा लगा, हमने यहाँ पे लगभग आधे घंटे रुके
और अभी हम चलते हैं। तो मैंने तो बहुत ही एंजॉय किया, मैंने पहली बार आपको देखा ऐसे लाइव गाना गाते हुए। अच्छा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। अभी क्या करते हैं ना, चलते हैं ना, एक दो फोटो यहीं पे लेते हैं। मैं सोच रहा था उधर ऊपर जाए। बाकी अगर हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो कि आपको अगर भजन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, ठीक है? और कमेंट में अपना विचार जरूर लिखना। बाकी यहाँ पे 2000 फोटो लेते हैं भैया, इधर की साइड ना। तो अभी हम गुफा के अंदर है, तो वीडियो करते हैं आज के लिए बस। बहुत बड़ी वीडियो होगी मेरे को लग रहा है, जहाँ तक बहुत अच्छी होगी वीडियो, बहुत अच्छी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग देखने के लिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। क्योंकि हमने क्या करना है, अभी बाहर जाना है। ओ पुटाओ बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन अंधेर नगरी, यहीं से आएंगे हम भाई। यो यहाँ तो ऊपर चढ़ जाते हैं लेकिन नीचे जाते समय ना डर लगता है, डर लगता है। ऊपर से अंधेरा भी हो गया, अंधेरा भी हो गया। फोन मेरे को, मैंने पकड़ना ना ना, चलो हां ना भाई, जैकेट भर गया, कोई बात नहीं। प्रेम भाई और नीचे, प्रेम भाई और नीचे।